हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यदि आप पहली बार पैथ क्लासेस पर आए हैं तो बस दो मिनट के लिए रुक जाइए। क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस थोड़ा सा फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करें कि cos 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर 2 थीटा तो यहां पर थीटा आएगा। यदि यहां पर सिमिलरली cos और थीटा का बात किया जाएगा तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 जितना होगा उसका हमेशा आधा बोलना है, यानी कि cos थीटा तो यहां पर 2 थीटा। सिमिलरली यहां पर लिख दूं cos थीटा तब तो बोलोगे ना 1 थीटा है, और 1 थीटा का आधा कितना होता है 1/2 होता है। क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा / 2 - 1? ध्यान को देखना, ये वाले माइनस 1 को हम इस पार लेके आऊं तो क्या बन जाएगा 1 + cos थीटा बराबर क्या 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 बनेगा या नहीं बनेगा, ध्यान पूर्वक देखना। सिमिलरली इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला ये होता है, यदि cos 2 थीटा का बात किया जाए तो एक फॉर्मूला को 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, पर इसको चेंज कर दूं, चेंज करके ये वाला पार्ट उधर लेके जाऊं, ये वाला पार्ट उधर लेके जाऊं तो बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - क्या cos 2 थीटा। अब देखो यहां पर कितना है 2 थीटा, तो इसका क्या होगा आधा निकलता है, या इसी प्रकार से हम लिख दो या कि 2 sin स्क्वायर थीटा / 2 तो बन जाएगा 1 - क्या cos थीटा। ये फार्मूला देखना है, आगे वाली फार्मूला देखना है 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 बराबर क्या 1 + cos थीटा, आगे नीचे वैल्यू है। यदि हम लिख दूं tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x, अब यहां पर लिखा 1 - cos थीटा तो थीटा था तो यहां पर थीटा, यहां पर x लगा दूं यहां भी x आ जाएगा, लिख दो 2 sin स्क्वायर x / 2 नीचे आ जाएगा 1 + cos x, अब यहां पर 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 बोले तो यहां पर थीटा तो यहां भी थीटा, यदि यहां पर x तो यहां भी क्या बन जाएगा x बन जाएगा, तब लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x / 2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा tan इनवर्स अंडर रूट sin स्क्वायर x / 2 और नीचे क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x / 2, यानी कि tan इनवर्स और आपको मालूम कि sin / cos क्या होता है tan होता है, इधर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लिख सकते हैं tan स्क्वायर x / 2। अब ध्यान पूर्वक देखना है tan इनवर्स अंडर रूट के भीतर tan स्क्वायर x / 2 है, क्या यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ऑटोमेटिक रूट भी हटेगा, तब आप लिख सकते हैं क्या tan x / 2। अब देखो बाहर क्या है tan इनवर्स है, अंदर क्या है tan, आपको मालूम है कि थ्योरम क्या कहता है कि tan इनवर्स अंदर भी tan थीटा तो आउटपुट क्या होता है थीटा होता है, तो क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं x / 2, ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया। ओके बालक, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करने में